नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। बात तो क्या करेंगे यार, थंबनेल आपने देख लिया होगा, ये सच्चाई है। जी हाँ, ये बता दूं, ये लालच है ना, ये बड़ा नुकसान करता है भाई। बता दूं, सीकर का बंदा, हमारे राजस्थान, सीकर का बंदा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है भाई बंदा कौन है, तो मुझे चुपके से बता देना, ताकि मुझे तो पता लगे कौन बंदा है, क्योंकि पेपर में नाम नहीं है, सीकर का बंदा बताया गया था। जो भी न्यूज आई थी, सीकर का बंदा दुबई से जयपुर की फ्लाइट पकड़ता है। जी हाँ, की डेट की अगर बात करें, रात 1:30 बजे जयपुर फ्लाइट पहुंचती है। अब ये उसमें हुआ क्या कि इस बंदे को, अब मैं जहां तक सोचता हूं कि इस बंदे की इतनी तो हिम्मत नहीं है कि यार ये वर्कर आदमी है, आपको पता है 76 लाख रुपए का 1.5 किलो गोल्ड खरीदने की इसकी तो कोई हिम्मत नहीं होगी। इसको कहीं ना कहीं कोई लालच दिया है या कैसे क्या किया भाई, वो तो जब उनकी कुटाई होगी, इंट्रोगेटिव उसको किया जाएगा, तो आप अपने आप बता देगा वो कि कैसे हुआ क्या हुआ। जी हाँ, ये बंदा बता दूं, दुबई में फ्लाइट के नीचे, जी हाँ, सीट के नीचे 1.5 किलो सोना, 1.5 बिस्कुट, आप देख सकते हैं, एक पूरा बिस्कुट है, एक आधा कटा हुआ बिस्कुट है, एक बिस्कुट 1 किलो का है, एक बिस्कुट 10 ग्राम का भी होता है, एक बिस्कुट 1 किलो का भी होता है भाई, वो वजन पर डिपेंड करता है। 1.5 किलो बिस्कुट बता दूँ सीट के नीचे छुपाया गया। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यार सीट के नीचे बंदा तो नहीं छुपा सकता, क्योंकि जब फ्लाइट के अंदर घुसता है तो और भी बहुत सारे यात्री होते हैं। ये तो है नहीं कि कोई बस की सीट है और उसमें बैठा चुपके से नीचे डाल दिया, ये प्लेन की सीटें अलग तरीके से होती हैं, उनके नीचे छुपाया गया। जी हाँ, और संयोग की बात यह है कि ये सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी बात इसमें यह आ जाती है, इसमें ट्विस्ट ये आ गया कि जयपुर की जो कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको पहले से न्यूज़ लग गई थी इस बात की कि भाई ऐसे ऐसे इतना सोना सीट के नीचे छुपाया गया है और आपकी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँच रहा है, वो पहले से सतर्क हो गए। रात को 1:30 बजे फ्लाइट पहुँची एयर इंडिया की। जी हाँ, उसको बंदे को वहां से बंदे का भी पता लग गया, बंदे को पकड़ लिया, फिर उसकी फ्लाइट की डेली रूटीन चेकिंग में उसको चेक किया गया, एक एक सीट को खोल खोल के चेक किया गया, तब उसमें एक सीट के नीचे 1.5 किलो गोल्ड निकला। जी हाँ, अब गोल्ड में 4 यात्रियों को भी शामिल किया गया है शक के आधार पे कि ये इन लोगों की मिली भगत है। जो ग्राउंडिंग जो होते हैं ना कर्मचारी, जो प्लेन के आर पार घूमते हैं, आपने देखा होगा कोई कुछ कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी कोई मिली भगत इसमें सामने आ रही है। अब चारों कर्मचारियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और जो सीकर राजस्थान का बंदा है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये बंदा कौन है, कहाँ से, कैसे, क्या, किस तरह से गोल्ड लेके आ रहा था, सीकर में किसको देने वाला था, हालांकि ये न्यूज़ हर बार राजस्थान में सीकर में, सीकर चूरू झुंझुनू में गोल्ड तस्करी होती है, नो डाउट। जी हाँ, और गोल्ड को लूटने वाले लुटेरे भी बहुत हैं, आए महीने में एक दो केस ऐसे आ जाते हैं, साल में 5-10 केस ऐसे सामने आ जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट डिपार्टमेंट मान लो या कस्टम विभाग की, अभी तक वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए था कि सारे सांप को क्या मारे भाई, सांप की मौसी को मारे, राजस्थानी में कुआवत है। अब ये तो ठीक है, इनको लालच दे के भेज दिया जाता है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इतना मोटा पैसा लगा कौन रहा है। जी हाँ, और ये खेल पूरा चलता कितना है भैया, मात्र 10% के पीछे। जी हाँ, यानी आप यकीन करिए, 1 करोड़ का गोल्ड होगा तो उसमें 10 लाख रुपए बचेंगे, सीधी सीधी गणित है। पहले 12.5 लाख बचते थे सरकार की, अब उसने टैक्स कम कर दिया तो और 2.5 लाख रुपए घट गए, और टैक्स कम करने के पीछे भी केंद्र सरकार का यही रीजन था कि गोल्ड तस्करी रोका जा सके, क्योंकि इंडिया में टैक्स कम लगेगा तो दुबई में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा गोल्ड में, तो लोग फिर कम इंटरेस्टेड होंगे खरीदने के लिए। जी हाँ, तो अभी देखिए गोल्ड जब्त कर लिया गया, बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, चारों जो कर्मचारी जॉब पे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, अब उनका मुकदमा लग गया, उनको जांच होगी, सोना पूरा जब्त हो गया जो गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा, और बंदे के ऊपर मुकदमा लग के पेपर में आना, अखबार में, या फिर जमानत कोर्ट से लेते फिरना, ये स्थिति हो गई। जी हाँ, पूरा सिस्टम 10% जो कस्टम ड्यूटी है उसके प्रोसेस में चलता है पूरा। जी हाँ, तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं इस बंदे को लालच दिया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ऐसा लालच आप बिल्कुल ना करें कि भाई आपको 10-20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये भी पकड़ा देते हैं यार, क्योंकि उनको पता है 10 लाख बच रहे हैं, 1 लाख रुपये इसको दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड तस्करी आजकल सख्ती का माहौल है सभी एयरपोर्ट्स पे, कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि वो बंदा निकल जाए, हालांकि निकलने वाले निकलते भी हैं, उनकी सेटिंग भी होती है, वो भी अलग सिस्टम चलता रहता है, हर बार न्यूज़ में भी आती है ये बातें, लेकिन हाँ 76 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा गया ये बात तय है। अगर आपको भाई लगता है कि राजस्थान सीकर में कौन बंदा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अगर आपको पता हो तो। बाकी ये काम बिल्कुल नहीं करना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप 1-2 लाख का गोल्ड लाते हो तो निकाल देते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता है। बाकी 50 हज़ार तक का गोल्ड आप साथ में लेके आ सकते हैं, कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं होती,
होती है, लाख रुपए का गोल्ड कितना होता है यार, एक चैन हो जाती है लाख रुपए की, एक अंगूठी हो जाती है, आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर दीजिए कि भाई मेरे पास ये है, वो निकाल देते, इतना कोई इश्यू होता नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।